साल की होगी फिर भी मैं कभी नहीं गई, मम्मी भी नहीं गई, क्रेहान भी नहीं गया, पापा भी नहीं गए और मैं भी नहीं गई। पापा 38 इयर्स के हो गए हैं, नहीं गए पापा कभी। मम्मी गई है शायद, मम्मी बचपन में गए हो ना? मम्मी छोटी थी तब गई थी। और वो देखो वो चुड़ैल भी पीछे घूम रही है। हाँ वो हाँ जल्दी है, जल्दी है बता। और क्या हुआ अभी ना, पापा ने दादी ने मुझे बोला था कि रेड शूज पहनो, बट यहाँ पर कुछ नहीं था तो मैंने रेड बैग पहन लिया। हाँ हाँ मैचिंग, इस उम्र में तो मेरे को कपड़े पहनने भी नहीं आते थे। चल झूठा दो भाई, ला दो भाई। मम्मी और वानी अभी शूज पहन लिया, पहली बार शूज पहने वानी ने कहीं जाते हुए। वानी सिर्फ जिम के अलावा कहीं शूज नहीं पहनती। आप भी चलो ना बाबा, माफ करो। हैं चलो आप भी लाल किले। ना ना तुम जाओ, मैंने बहुत बार गई हूं। पापा ये ना मुझे एलर्जी होना स्टार्ट हो गई है। हाँ, कोई नहीं, इसको ना थोड़ा स्किन में इशू हो रहा है, इसको कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अभी पैर फ्रैक्चर ठीक हुआ है तभी ये स्किन में एलर्जी हो गई है। देखा, अच्छा कमाल की बात यह है कि मैं आज तक कभी रेडफुट गया ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रेडफुट गया, मतलब बाहर बाहर से तो देखा, मैंने अंदर से कभी नहीं देखा। तो सुने मार्केट वगैरह आया तो वहाँ जाएंगे एक बार एक्सप्लोर तो करें। बच्चों को मॉन्यूमेंट्स ही नहीं दिखाया यार हम लोगों ने दिल्ली के, इवन कहने की बात है वो तो मैंने भी नहीं देखे। हैं झूले कहाँ से आ गए, मुझे क्या पता मैं कौन सा गया हूँ। आजकल देख लेंगे जाके, ठीक है? मम्मी ने बोला था तो फिर होंगे, तो अभी रास्ते में जर्नी का एंजॉय करेंगे और वहाँ जाएंगे। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, 1:15 बज गया, 2 बजे तक निकलना है। चल जल्दी, बाय 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 बाय, वहीं मिलते हैं, वहीं मिलते हैं। बाद है ना उसके पापा जैसे हेयर स्टाइल है ना, पापा जैसा। अच्छा कर दो, बा 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 कर दो, बा बा बाय बाय कर दो, उधर उधर ऊपर बा बा बा। ये देखो हम सब रेडी हो गए, मानी रेडी, मैं रेडी बिल्कुल, जूते तो पहन के, भाभी का वो देखो दादी के साथ, और एक से खाना खत्म नहीं हो रहा। चलिए यार। सो गाइस सारे रेडी हो गए हैं, और चश्मा लगा के व्लॉग बनाने का एक ही फायदा होता है, बिकॉज क्या है कि आपको सीधा कैमरे में देखना पड़ता, कहीं भी देख लो तो पता नहीं चलता कहाँ देख रहे हो आप। किस पे लगा लूँ? नहीं नहीं, सो ये जो अभी आपको मैंने वो दिखाई थी चुड़ैल, हाँ चुड़ैल वो बैठी हुई तैयार हो गई है। और वानी येरी, वानी कहाँ है? हाय। और वो टिड्डा देखो, टिड्डा देखो क्या कर रहा है, और देखो देखा भी नहीं उसने। सो एक घंटे की जर्नी, एक घंटे का रास्ता है, तो एक घंटे के बाद हम वहाँ पहुँचेंगे, बच जाएंगे जब तक, तीन शायद है ना, 3:15 बच जाएंगे, देखते जितना घूम सके घूमेंगे। वानी ने ना इतना वेट गेन कर लिया, हमारे पेट्रोल ही खत्म हो गया, एवरेज नहीं आ रही। एवरेज नहीं आ रही गाड़ी की, तुम पेट्रोल भरवा। ये देखो कितनी तारीफ करी आपके पापा ने मेरी। और क्या, सुबह कह रही मैंने छोले भटूरे सैक्रिफाइस करे हैं, भटूरे जैसा तो मुंह हो गया। मेरा भी और इसका भी। भाई मेरे पीछे ना ये पार्किंग है, और पार्किंग बहुत दूर है, मतलब बच्चे के साथ हमारे को थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। अब देखो पार्किंग में इतना लंबा चल के जाना पड़ेगा, कम से कम 500 मीटर है ऑलमोस्ट, तो देखते हैं। ये हो गई तैयारी, सारे चल दिया जंग पे, जंग पे जा रहे हो, जंग पे। ये सारा टिकट काउंटर है यार, कौन लेगा यहाँ पे लाइन में, दिल से लगता है भाई। भाई टिकट के लिए ना बहुत भीड़ थी, तो हम लोगों ने क्या ऑनलाइन बुक कर लिया है, तो ऑनलाइन बुक करने का ना लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी तो थोड़ा सा टाइम लगा, 10 मिनट, बट हो गई। मेरे को तो लगा था हो ही नहीं पाएगी, बट हो गई। ऐसा कहा जाता है भाई कि यहाँ पे ना पहले पानी होता था, पानी सारा यहाँ सारा पानी होता था, पता नहीं, आई डोंट नो। फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा था? जोर से बोल, जय माता दी। मुझे गर्मी लग रही है, फिर ठंड लग रही है। ये चेकिंग हो रही है, चेकिंग। आई डोंट नो, संडे को इतनी भीड़ होती है, रोज होती है हमारी। संडे को ज्यादा होती होगी ना। हाँ, सो अभी फाइनली एंट्री हो गई है, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा नहीं, बस थोड़े टाइम में हमारी एंट्री हो गई है। ये मेन एंट्री से आते ही ना ये व्यू है, क्या बात है यार, मैं फर्स्ट टाइम। आप आए हो आज तक? आए हो? अच्छा अभी अंदर जाके तो देखने दो, अभी तक तो अच्छा लगा ना।
शॉप्स वगैरह यहाँ से शॉपिंग कर लो। ऑब्वियसली कॉस्टली तो मिलेगा यहाँ पे, पूरी मार्केट है। मानी का है ओ शिट भाई, भीड़ देखो कितनी यार, सारी शॉप्स वगैरह है यहाँ पे, कुछ खरीदना तो खरीद लेना। ये सारी शॉप्स हैं, मतलब काफी सारा मटेरियल मिलता है यहाँ पे। 100 रुपए की हैट है, ये ज्वेलरी हो गई, ये बच्चों के खिलौने हो गए। इस साइड भी शॉप्स हैं, काफी बड़ा स्ट्रेच है ये, दिस इज माई फर्स्ट टाइम। ये यहाँ पे जाके अंदर एक गार्डन टाइप है रिलैक्स करने के लिए, थक जाओ तो वहाँ लेट जाओ जाके, ये देखो। और ये इसी के बीच में गैलरिया जो है ना पूरा, इसी के बीच में है। तो यहाँ कब से लिफ्ट लग गई भाई? तो यहाँ पर हम लोग थे, इसके अंदर से बाहर आए हम लोग, ये गार्डन है सारा। ये वानी रील बनाती हुई पहली बार आई तो भी सारे भाई जो भी यहाँ पर रहता है ना, कोई आता ही नहीं कभी लाल किला में। दिल्ली के हो गए, दिल्ली में नहीं आते ना ये ना। वो देखो इनको, कितनी उम्र हो गई आपकी अभी तक लाल किला नहीं देखा आपने? 60 साल के हो गए। अरे तो चलो, ये तो परदेसी आदमी है भाई। खाने के लिए दिल्ली हाइट्स यहाँ पर भी है ना। ताजमहल, जामा मस्जिद, लाल किला। तो शाहजहां 1628 में आगरा का थ्रोन में बैठे थे। 11 ईयर्स आगरा से रूलिंग करने के बाद शाहजहां ने अपने राजधानी आगरा से दिल्ली में शिफ्ट किया था। ठीक है समरिया, ये हमने किए थे गाइड भैया, और वानी ने सिर्फ रीले बनाई और गाइड भैया की कोई बात नहीं सुनी। आपने सुनी है ना? मैंने सुनी है, तभी तो मैं बता भी रहा हूँ। वो इम्पोर्टेंट है ना, वो आप ही बताओगे ना सारा। हाँ, वानी रिले बनाने में लगी हुई है। तो क्या करें? और 6 बजे बंद हो जाएगा ये, 6 बजे बंद हो जाएगा तो टाइम प्लान। हाँ, और एक म्यूजियम भी है ना यहाँ पे, वो 5 बजे बंद हो जाता है और 4 बजे उसकी टिकट बंद हो जाती है, तो हम तो जा नहीं पा रहे। तो आप लोग देख लेना, और सामने खाना, और मेरी बेटी को चाहिए खाना, नहीं तो मुझे खा जाएगी गुस्से से। तो पहले खाना खा लेते हैं कुछ। ये भाविका बहुत नाराज हो गई है। भाविका क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? अच्छा बताओ, दिक्कत बताओ अपनी। हाँ, एक तो मुझसे ये फोटो खिंचवा रहे। अच्छा, और मम्मी फोटो खिंचवा रही ज्यादा? अच्छा, तंग हो रही। और क्या दिक्कत है? और एक तो मेरे यहाँ पर खारिश हो रही है, मुझे भूख लग रही है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। ओहो, सरकार पलट गई। वो मेरे बच्चे, वो बच्चे भाई, एक तो ना बहुत बड़ा है, तो घूमने के लिए तो दम चाहिए। बुड्ढे लोग तो आ ही नहीं सकते, बच्चों के साथ उठा के घूम नहीं सकते। तो स्टेमिना और माइंड मेकअप करके आना अगर आ रहे हो तो, बिकॉज भीड़ भी बहुत है संडे वाले दिन, और टाइम भी चाहिए, मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस। और 5:30 बजे के आसपास अगर आपने लॉकर में कुछ जमा कराया तो वो बाहर से मिलेगा भी नहीं। सो ये वाली जो मस्जिद है जो मेरे पीछे है ना, ये बहादुर शाह जफर ने बनाई थी, और ये जो है इसलिए बनाई गई थी क्योंकि जो शाहजहाँ की मस्जिद है वो बाहर थी, जो सबसे बड़ी मस्जिद है। कौन सी मस्जिद? हाँ, जामा मस्जिद। ठीक है, मुझे नहीं पता यार, जामा मस्जिद। तो वो बार बार अप डाउन नहीं करना चाहते थे बहादुर शाह जफर, तो उन्होंने अपने यहाँ ये छोटी सी मस्जिद बनाई थी। चलो चलो और देखा। वो मस्जिद इसलिए बनाई गई थी क्योंकि उनको बाहर जाना पसंद नहीं था, ठीक है, जो जामा मस्जिद थी वहाँ से अप डाउन करना। और ये जो मेरे पीछे ये वाला देख पा रहे ना, ये वाला दिखाई भाई, दिखाई हूँ। हाँ, ये दीवाने खास था शायद, है ना, दीवाने खास। यहाँ पर वो मंत्रियों के साथ मीटिंग करते थे, कैबिनेट मीटिंग वगैरह करते थे। और ये आसपास जो वो दिख रहे हैं ना, क्या बोलते हैं ये आपको दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे ये पर्दे लगाने के लिए, ये यहाँ पर ये पूरा रिंग्स पर्दे लगाने के लिए होते थे, ताकि ये सारा एरिया कवर हो जाए। पूरी बिल्डिंग्स में है, यहाँ पे मीटिंग्स होती थी। तो फ्रेंड्स, ये है मेन एंट्री, और मुझे कुछ पता नहीं है, पापा बताएंगे, और मेरे को बहुत ज्यादा भूख लग रही है, और आगे पापा बताएंगे, और मुझे कुछ नहीं पता। सो ये जो मेरे पीछे है ना, ये वाला ये था क्या था, रंग महल है ना। रंग महल है ये, यहाँ पे एंटरटेनमेंट वगैरह, डांस वगैरह सब वगैरह होता था बादशाह के लिए, ठीक है। और ठीक उसके सामने, घुमा जरा कैमरा घुमा, ये उसके बिल्कुल सामने यहाँ पर था फाउंटेन वगैरह, ये जूम करके दिखाना जरा, ये एरिया था, ये एरिया था पूरा, ये वाला एरिया पूरा फाउंटेन वगैरह यहाँ से अपने आप निकलते थे। ये है दीवाने आम, और वो सामने सिंहासन, और ये वो एंट्री वाला गेट। यहाँ पर सबकी प्रॉब्लम्स सुनी जाती थी, और जो मैं बता रहा था ना अभी ऊपर, ये देखो इसमें भी ना पर्दे लगाने के लिए, पूरी सब पर्दे लगा रखते थे, ठीक है। और
वो जो है सामने राजा का सिंहासन है, ये रहा ये रहा, यहाँ पर बैठ के वो जो राजा था वो सबकी बात सुनते थे। ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये मैंने अपनी तरफ से बताई है, मतलब अगर कोई गलती वलती हो जाए तो माफ करना, और ये मुझे इसने बताई थी, ये बता रही मेरे को। ये नहीं मैं जोक से पार्ट, मतलब मैंने अपनी तरफ से बताया है, बाकी इनके से अगर कुछ चेंज हो तो गूगल कर लेना भाई, आई एम नॉट अ परफेक्ट गाइड। भाभी का खुजली हो रही थी तो बाहर का खाना नहीं खा सकती है तो बेचारी फ्रूट खा रही है। बेचारी फ्रूट खा रही है। आपने क्या खाया? मैंने पिज्जा। पिज्जा आप और पिज्जा खाने वाले? मैगी। ये पनीर टिक्का खाया आपने, पिज्जा, पाव भाजी थी, चाउमीन थी, मैगी थी। पहले खाना थी, अब खाली प्लेट दिखा रही है। ये जो मेरे पीछे मार्केट है ना, ये फर्स्ट मॉल ऑफ इंडिया है, मतलब इंडोर मार्केट पहली थी, मीना बाजार बोलते हैं इसको। ये पहली इंडोर मार्केट है जो शाहजहां ने बनवाई थी, अदरवाइज इससे पहले सारी मार्केट्स ना ओपन लगती थी। मैंने बताया अब इन्फॉर्मेशन, हाँ ठीक है, अब क्लैपिंग कर दो नीचे कमेंट्स में। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़िया रहा मेरा, हमारा सबका, बट टाइम थोड़ा कम था। हाँ भाई मुंह क्या कर रही है? अच्छा बढ़िया। हाँ जी मजा आया। हाँ बहुत मजा आया, टाइम तो था नहीं। लेकिन ठीक है, वैसे लाइटिंग तो रात को पता चलती है, उन्होंने रात को तो बंद कर दिया, आप कह रहे 6 बजे बंद हो जाएगा। हाँ लेकिन वो लाइटिंग शो के लिए होता ना सिर्फ ओपन। विदाई का टाइम आ गया, गले वाले मिल लो। चलो बाय। चलो रो तो दे मानी, थोड़ा रो तो दे। ये मार चल रही है, ठीक है, इसमें काफी का खा रही है साथ में। हाँ ठीक है, ले जाओ खुजली की मशीन को। चलो बाय।